गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 16 के कुछ सम्स आपको सॉल्व कराएंगे। ये पेज नंबर 54 पे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक और एक नोटबुक अपने पास में रखेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब तक हम HCF निकाल चुके हैं प्राइम फैक्टर मेथड से और LCM निकाल चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें LCM निकालना है विदाउट फैक्टराइजेशन, यानी बिना प्राइम फैक्टर निकाले, मतलब बिना उसके फैक्टराइजेशन, यानी उसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर रहे। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ए है हमारा 9 and 36। हमें फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन के 9 और 36 का LCM निकालना है। इसका एक सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पे हम 9 के फैक्टर्स लिख लेंगे और फिर 36 के फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले 9 के फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स का मतलब होता है उनकी टेबल, यानी हम ऐसे लिख देंगे 9 का एक फैक्टर हो 27 18, फिर उसका फैक्टर हो 27, उसके बाद 36, फिर फैक्टर आया उसका 45, नेक्स्ट फैक्टर हम 54, ऐसे ही आगे तक उसके और फैक्टर होंगे, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। फिर 36 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 36 आता है 36, उसका टेबल लिखते हैं 36, उसके बाद 72 मल्टीप्लाई किया, फिर एक फैक्टर 108, ऐसे ही 144 और भी आगे तक। हमें क्या देखना होता है फैक्टर्स लिखने के बाद, कि उनका सबसे छोटा ऐसी डिजिट जो कि दोनों नंबर में हो, 9 में भी हो और 36 में भी हो, एक ऐसी सबसे छोटी डिजिट, यानी एक ऐसा सबसे छोटा फैक्टर जो कि दोनों में हो 9 और 36 में। तो देखेंगे हम 9 की टेबल में और 36 की के फैक्टर में सबसे छोटा डिजिट है 36 जो कि दोनों में आता है। हमें सबसे छोटा नंबर ये नहीं कि हम 9 देखें, हम वो नंबर सबसे छोटा लेंगे जो कि दोनों में होगा, दोनों में मौजूद हो, यानी 9 में भी हो या फिर 36 में भी हो, हम वो वाला नंबर लेंगे सबसे छोटा। तो जो नंबर दोनों में है उनमें सबसे छोटा है 36, यानी कि फर्स्ट कॉमन फैक्टर देखा तो वो हुआ 36। तो यानी कि LCM हुआ 9 और 36 का, 9 LCM ऑफ 9 and 36 हुआ 36। ये है हमारा आंसर, यानी 9 का और 36 का LCM हुआ 36। ये हमने बिना फैक्टर्स निकाले। हम फैक्टर्स कैसे निकालते थे, 9 को 36 को ऐसे लिख के यहाँ पे ऐसे करते थे ना, इसके बिना हमने ही उसका LCM निकाल लिया। बी है हमारा 12 and 60। अब हमें 12 और 60 का LCM निकालना है बिना फैक्टराइजेशन के। हम इसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 12 के फैक्टर्स ही, फैक्टर्स यानी उसकी टेबल होती है, अगर हम आसान भाषा में कहें फैक्टर्स मतलब उसका मल्टीपल्स, उसके मल्टीपल्स यानी उसके फैक्टर्स 12। तो 12 का फिर हुआ एक फैक्टर 24, उसका फैक्टर 36 और 48, और हम लिख सकते हैं 60 और 72 और भी काफ़ी आगे थे। 60 का सबसे फैक्टर हुआ 60 120 180 180 और भी आगे तक, मतलब उसके आगे। अब हम उसमें फर्स्ट कॉमन फैक्टर देखें, फर्स्ट कॉमन यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, सबसे पहला ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आता हो। 12 60 में नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, पर लेकिन सबसे पहला नंबर जो कि दोनों में है वो है 60। यानी हमारा LCM क्या हुआ, LCM इज इक्वल टू 60। ये आ गया हमारा आंसर, यानी 12 और 60 का LCM आएगा 60। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर सी एंड डी इन नोटबुक। आपको क्वेश्चन सी और डी खुद से अपनी नोटबुक में करने हैं, और इसके साथ ही
क्वेश्चन नंबर 16 के का सी और डी आपको खुद से करना है और इन चारों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में भी करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।